फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त जेकी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग A13 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर है हमारा A13। तो इसका बॉक्स मोटा है, 53 की तरह नहीं है। तो इसमें चार्जिंग ब्रिक भी होगा और फ्रंट में यहाँ पर उसी का नाम लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर है सैमसंग की ब्रांडिंग एंड वही सारी चीज़ें। और पीछे यहाँ पर हाईलाइट्स मेंशनड है, जहाँ पर लिखा हुआ है 16.72 सेंटीमीटर FHD+ डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी। तो खोल लेते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन है, तो उसके अंदर कुछ पेपर वर्क एंड एक सिम इंजेक्टर टूल ही है, जो कि हर डिवाइस में होता ही है। उसके नीचे यहाँ पर रखा हुआ है हमारा मेन डिवाइस, तो इसको फिलहाल रखते हैं साइड में। यहाँ पर है ये चार्जिंग ब्रिक, जो कि नॉर्मल है, मतलब कि फास्ट नहीं है, फास्ट है लेकिन सुपर फास्ट नहीं है, जो C2C वाली आती है वो। और यहाँ पर है एक USB A to C वाला चार्जिंग केबल। तो पीछे की तरफ आपको काफ़ी प्रीमियम सी फील मिलती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी चमकदार है और कलर काफ़ी मस्त लगता है। और साइड के एजेस राउंड है, तो काफ़ी हैंडी सी और काफ़ी क्यूट सी फील है। और साइड में यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है पावर ऑन ऑफ बटन में, और ऊपर यहाँ पर है वॉल्यूम रोकर्स। इस तरफ में यहाँ पर है सिम ट्रे। तो बात कर लेते हैं अब इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, मतलब कि लुक बिल्कुल 53 वाला ही है। और क्वाड कैमरा सेटअप में सबसे पहला कैमरा है वो है 50 MP का, जो कि मेन है। दूसरा है 5 MP का अल्ट्रा वाइड के लिए, तीसरा है 2 MP का माइक्रो के लिए, एंड लास्ट वाला 2 MP का डेप्थ के लिए। तो हैंड ग्रिप काफ़ी मस्त है, काफ़ी हैंडी सा फ़ोन है क्योंकि पूरा राउंड है। और मेरे पास इसका एक दूसरा कलर भी है, जो कि है ब्लैक, तो वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। और सबसे खास बात, नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड 3.5 mm जैक मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो फ्रंट में इसमें आपको 6.6 inches की FHD+ इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलती है, जो कि TFT LCD है, AMOLED नहीं है। और फ्रंट में यहाँ पर आपको एक वी नॉच मिलता है, और उसमें है 8 MP का फ्रंट कैमरा। बाकी बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको एक्जिनोस 850 प्रोसेसर मिलता है, और उसी के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो काफ़ी अच्छा सा फ़ोन है, लेकिन 4G है क्योंकि इसकी प्राइस कम है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो A13 में आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, 464, 4128 एंड 6128। तो 464 की प्राइस है 14,999 रुपीज़, 4128 की प्राइस है 15,999 रुपीज़, एंड 6128 की प्राइस है 17,499। तो ब्राइटनेस काफ़ी मस्त है। तो सेटिंग्स के अंदर जाके सबसे पहले तो एंड्रॉयड वर्जन चेक करना है मुझे। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 मिलता है और One UI Core 4.1। तो इस प्राइस रेंज में भी आपको 4.1 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है सीधा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट इरेजर और वो सारे मोड्स भी मिल जाएंगे। और उसी के साथ इसमें आपको एक गेम का मोड एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब कि इसमें गेम लॉन्चर है, और प्रोसेसर के मुताबिक गेम लॉन्चर को इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस भी काफ़ी मस्त होगी। बाकी बात करें साउंड क्वालिटी की, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स तो नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी फिर भी काफ़ी अच्छी सी ही होगी। तो स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी मस्त है। नोटिफिकेशन पैनल में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी बात करें कैमरा मोड्स की, तो कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो एंड मोर के अंदर आपको प्रो, पैनोरामा, फूट एंड माइक्रो, ये सारे मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ कुछ कैमरा सैंपल्स, जो कि मैंने इसी फ़ोन के कैमरा से क्लिक किए। तो इसमें भी आपको A53 की तरह ही 4 कलर ऑप्शन मिलता है, ऑसम ब्लैक, ऑसम ब्लू, ऑसम वाइट एंड ऑसम पिच।
तो मेरे पास यहाँ पर ये दो कलर्स है, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक थोड़ा सा ग्रेज टाइप है लेकिन उसकी फील भी काफ़ी मस्त है, और ये है ब्लू। तो फोन काफ़ी अच्छा सा है, प्राइस के मुताबिक चीज़ वर्थ इट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।